साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बाड़वार दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने लाइव इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं। और दोस्तों इस समय अब चूंकि मिशन 2024 की तैयारियां चल रही हैं, बल्कि अब तो बचा क्या है, 2 हफ्ते मैक्सिमम, उसके बाद तो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव का ऐलान भी कर देगा, उसके बाद सारी तैयारियां, चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। लेकिन इस बीच दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर है, जी हां, सबसे बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई सामने आ रही है वो तो खतरनाक है ही, लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी, जी हां, केजरीवाल की गिरफ्तारी 3-4 दिनों में हो सकती है। और जिसने कहा, जिसने बताया, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस बार जो जो बता रहे हैं लोग ना, उसके हिसाब से मानकर चलें तो सबूत भी मिल गए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। और ये कोई और नहीं, खुद आम आदमी पार्टी बता रही है, ये भी बता दूं। और इस बार ईडी के साथ सीबीआई की भी एंट्री हो गई। अब किन धाराओं में कैसे गिरफ्तारी होगी, ये आम आदमी पार्टी से बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता है, नहीं बता सकता, क्योंकि आप देखिए सारी भविष्यवाणियां ये खुद करते हैं और वो सच भी साबित होती है, कि क्योंकि इन्हीं को पता है कि भ्रष्टाचार हुआ कहां है, कितना हुआ है। लेकिन गिरफ्तारी के साथ एक बड़ा गजब का पेंच जुड़ गया है, और वो कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन, और गठबंधन की खबर आते ही कांग्रेस के भीतर जो सिर फुटवल शुरू हुई है वो भी अपने आप में बड़ी अनोखी है। और आज तो प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी में कह रहे थे ना, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आता है ना, तो ये सारी परिवारवादी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, पीछे लड़ती हैं, लेकिन अभी तो नेता कुछ मिल भी गए तो उनके नेता आपस में लड़ रहे हैं, और कैसे लड़ रहे हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इसमें जो बड़े बड़े नेता है ना, दिग्गज, उनके बेटे तो हैं ही, खुद बड़े नेता भी शामिल हो गए, उनमें मुसलमान नेता भी हैं जो दिग्गज नेता है। तो आपको एक एक करके चीजें दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए, आप नेता सौरभ भारद्वाज का दावा, आने वाले 2-3 दिनों में होगी केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोशिश। अब देखिए ये बड़ा माने माहौल बनाते हैं, अब दूसरा क्या बोलेगा, ये खुद ही माहौल बनाते हैं और हर बार झूठ बोलते हैं, झूठ की लंबी फहरिस्त है। अगर मैं सिर्फ यही निकाल के आपको दिखाऊं ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हर दूसरे दिन एक नौटंकी खड़ी करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं। कभी बोलेंगे हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, कभी फिर कुछ और बोल देंगे, कभी केजरीवाल को फोन आ जाता है, कहीं किसी और मीटिंग में आ जाती है। अब ये नया शुरू हुआ है कि अब सीबीआई की एंट्री हो गई, लेकिन चलिए मान लिया इन्हीं की बात। अब देख लीजिए, ईडी सीबीआई टू अरेस्ट सीएम अरविंद केजरीवाल इन 2-3 डेज, आप एमएलए सौरभ भारद्वाज क्लेम्स। और जानते हैं सौरभ भारद्वाज मंत्री है दोस्तों, और जब वो कह रहे हैं तो उन्होंने बाकायदा इसकी जानकारी दी कि कैसे गिरफ्तारी होगी। अब इतनी जानकारी तो पता नहीं पुलिस वालों को है या नहीं है, लेकिन इनको पता है, क्योंकि इनको पता होगा कि कहां पे भ्रष्टाचार हुआ और कहां फंस सकते हैं। इन्होंने कहा, सौरभ भारद्वाज ने, कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41A का इस्तेमाल किया जाएगा। और ईडी तो आपको पता है कि कितने नोटिस भेज चुकी है, अब सीबीआई। और शराब घोटाले का जो जाल है दोस्तों, वो इतना गहरा है और इतना बड़ा है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए जो भी गिरफ्तार हुए वो बाहर निकल ही नहीं पाए, तो भैया सारी अदालतें तो खराब नहीं हो सकती ना, वो सारी अदालतों में आपकी कलाई खुल रही है, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट तो जाते जाते क्या कुछ हुआ, लेकिन केजरीवाल कुछ भी कर लें गिरफ्तारी तय है, मगर आम आदमी पार्टी की ही मान ले तो 3-4 दिनों में गिरफ्तारी होने जा रही है। और 3-4 दिन के बाद दोस्तों फिर से आपसे संवाद करूंगा, लेकिन यहां पर एक पेंच जोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने, और कैसे सनसनी क्रिएट की आप सोचिए, आप हैरान होंगे। ये कह रहे हैं कि चूंकि
कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा। हालांकि आज ऐलान होने की ये लोग खबरें चला रहे थे, सारे मीडिया वाले झूठे साबित हुए, मगर दिन भर तो फुटेज खा लिया ना। यहां तो लाखों रुपया दे करके भी नहीं कर सकते, करोड़ों रुपया दे करके नहीं, लेकिन झूठ का बवंडर खड़ा करते हैं तो चलता रहता है। तो इन लोगों का ऐलान आज नहीं हुआ, अब खबरें चल रही है कल होगा ऐलान, और उसी ऐलान से जोड़ दिया केजरीवाल की गिरफ्तारी को। लेकिन केजरीवाल की जब बात हो रही है ना, तो मैं आपको आज ही बोल दे रहा हूं कि केजरीवाल को उनके ही बेटे का श्राप लगेगा। कैसे लगेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबर, कांग्रेस के साथ बाकी लोगों के गठबंधन की खबर आ रही है, तो आप देखिए कितना सिर फुटव्वल मचा है। आपको मैं इस आर्टिकल से दिखाता हूं, देखिए। बाबा सिद्दीकी का बेटा अहमद पटेल की बेटी हाईकमान को दिखा रहा तेवर दिखा रही। दोस्तों अहमद पटेल की बेटी, आप सोचिए कि इस तरह की स्थिति है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप तक सही पहुंच रहा होगा कुछ। अब जब अहमद पटेल की बेटी की बात कह रहा हूं दोस्तों, तो आपको मैं खबर दिखाता हूं। आप देखिए ये पोस्ट देखिए, ये मुमताज पटेल अहमद पटेल की बेटी है। अहमद पटेल की बेटी भयंकर नाराज हो गई है, और जानते हैं क्यों हुई है? क्योंकि भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने की बात सामने आ रही है, और आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब बताइए गुजरात जैसे जगह में अगर कांग्रेस घुटने टेक दे आम आदमी पार्टी के सामने, तो आप कल्पना कीजिए, और वो भी वो सीट जो अहमद पटेल की। और अहमद पटेल जब नाम आता है ना, तो पता नहीं आप जानते ही होंगे दोस्तों, मुझे लगता है कि कांग्रेस में अगर सोनिया गांधी का सबसे बड़ा, जी हां सबसे बड़ा कोई विश्वास पात्र था, तो वो अहमद पटेल थे। अहमद पटेल के कद का अंदाजा लगा पाना संभव नहीं है। कांग्रेस में सोनिया गांधी की नजर में वो सबसे बड़े नेता, और इसका मतलब है कांग्रेस के सबसे बड़े नेता। गांधी परिवार आप माइनस कर दीजिए तो ये कद रहा। और इनको चुनाव जब लड़ाया जा रहा था राज्यसभा का, तो आपको पता है ना क्या कुछ हुआ था, और किस तरीके से कांग्रेस ने संघर्ष किया जिताने में कि इनको तो राज्यसभा पहुंचाना ही है चाहे कुछ हो जाए। आज उनकी बेटी इमोशनल पोस्ट लिख रही है, आप देखिए क्या लिख रही है। माय फादर टॉट मी विन और लूज, फाइट टिल द एंड, नेवर गिव अप। पिताजी सिखा कर गए इनको, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि हारो या जीतो लेकिन अंत तक लड़ाई लड़ो, हार मत मानो। और इसके बाद इनका बेटा है अहमद पटेल का फैसल पटेल, उन्होंने तो खुल करके पार्टी को चेतावनी दी। और फैसल पटेल ने दोस्तों साफ तौर से कहा कि अगर भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को आवंटित की जाती है, तो हम लोग उस उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। अब पता नहीं इन लोगों को ये बातें समझ में आती है कि नहीं, क्यों, कितनी बड़ी खबर है। आप दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, अभी आपसे संवाद इस पे करूंगा। लेकिन आप सोचिए 2019 के लोकसभा चुनाव को दोस्तों, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो कैसा माहौल बना दिया गया था कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मिल गई, अब तो मुस्लिम वोट भी नहीं बटेगा, इधर यादव वोट और इधर दलित वोट, और तीनों मिलकर के बस खत्म, भाजपा तो गई, मोदी जी तो गए। हुआ क्या? नेताओं के मिलने से आम जनता नहीं मिलती, कैडर वोटर नहीं मिल जाता। और यहां तो खुल करके फैसल पटेल चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भरूच सीट आम आदमी पार्टी को आवंटित की जाती है, तो हम लोग उस उम्मीदवार को समर्थन नहीं करेंगे। अब यहां एक और खेल आपको दिखाता हूं, आम आदमी पार्टी कैसे मजा लेती है दोस्तों। मैंने इसीलिए कहा एक तीर से दो निशाना, ये खेल है। मोदी को हराना तो खेल है ही, इनका मकसद है, इनका लक्ष्य है, मोदी से नफरत तो है ही,
लेकिन एक दूसरा खेल भी है कि ये दोनों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और जताते हैं कि हम आपका भला करेंगे, ये अपना भी नहीं भला कर सकते, मैं आपको ये बता रहा हूं। और गोपाल इटालिया की ये खबर देखिए, गुजरात में आप कांग्रेस के डबल गठबंधन पर भरूच ने फंसाया पेंच, इटालिया ने चला अमेठी रायबरेली कार्ड। अब देखिए मैं आपको बड़े ध्यान से समझिए कैसे, जैसे कहते हैं ना सुई चुभो देना, वो काम किया है। इटालिया ने कहा कि रायबरेली और अमेठी की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए अत्यंत भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई सीट थी। अच्छा लग रहा है भाई, कितनी अच्छी बात कहा इन्होंने। चाचा नेहरू से लेकर सोनिया जी तक हर बड़े नेता की भावनाएं इस सीट से जुड़ी हुई हैं। वाह, तालियां बजाइए, तारीफ हो रही है, आगे पढ़िए। लेकिन वक्त, स्थिति, हालात और संजोग को देखते हुए राहुल जी और सोनिया जी ने वो सीट छोड़ दी। अब आपको समझ में आएगा, राजनीतिक और पारिवारिक रूप से किसी सीट के साथ भावनाओं का जुड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन वक्त, हालत और जनता के मन को वक्त रहते न पहचानना और न भापना गलत है। जानते क्या किया है गोपाल इटालिया ने, सीधे, जी हाँ, अहमद पटेल तो छोड़िए, सीधे गांधी परिवार को औकात दिखाई है। ये है, अब अगर इनका गठबंधन होता है ना तो इसको जानते क्या कहेंगे, थूक कर चाटना। जो व्यक्ति सीधे गांधी परिवार को चुनौती दे रहा है वो ये कह रहा है कि अमेठी रायबरेली आप ही की सीट थी ना, नेहरू से लेके आप तक लड़ते ही आए और अब तो रायबरेली तो अभी भी सांसद हैं सोनिया गांधी, सच्चाई यही है, वही जीती है पिछला चुनाव और ये कह रहे हैं कि आप ही की सीट थी, भावना तो जुड़ी होगी लेकिन वक्त तो बदल गया। और यही बात वो अहमद पटेल की सीट भरूच के लिए कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि होगा लेकिन अब नहीं मिलेगा, अब तो हम ही जीतेंगे। ये है असली खेल दोस्तों, लेकिन इस खेल में नेता कहां तक पहुंच रहे हैं, किस लेवल तक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप सोचिए। तो जो एक सीट के लिए इस हद तक पहुंच सकते हैं वो जनता का क्या भला करेंगे, ये बड़े ध्यान से समझने और सोचने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन जब गोपाल इटालिया ने कहा तो जो भरूच जिला कांग्रेस है भला वो कैसे चुप रहे। अब उसने क्या किया वो आप देखिए, भरूच जिला कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। भरूच जिला कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि ये सीट आपको न दी जाए। चिट्ठी में चेतावनी दी गई है, बड़े ध्यान से सुनिए, चेतावनी कि अगर ये सीट आपको दे दी गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता गठबंधन के लिए काम नहीं करेंगे। भरूच सीट पर कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल दावेदारी कर रही हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा, तो अब सोचिए कांग्रेस का जो जिला का अध्यक्ष है या वो पूरे जिले का कार्यकर्ता, सारे लोग क्या कह रहे हैं कि हम इसको समर्थन नहीं करेंगे, तो करेंगे किसको, समझ रहे हैं। अब ये भाजपा को समर्थन करेंगे, असली कहानी ये है कि कांग्रेस भरूच में भाजपा का समर्थन करने वाली है, वैसे स्थिति और उलट है, वो समर्थन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां मोदी जी का ग्राफ 50+ है, पहले से ही है, आप ये समझ लीजिए। और कांग्रेस गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती, ये भी खबरें ही हैं मतलब, लेकिन चूंकि लगभग तय है, फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यहां से अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा क्षेत्र में आने वाली डेडियापाड़ा से विधायक, वहां से एक विधायक इनके चुने गए डेडियापाड़ा से, चैतर वसावा को भरूच से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन मजेदार बात क्या है जानते हैं, इस सीट पर 35 साल से कभी भी कांग्रेस नहीं जीत पाई है, तो आप मिलके भी लड़ लें तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। और अब तो कांग्रेस ने खुल के कह दिया है, और जब कांग्रेस कह रही है और आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो कौन जीतेगा, और मान लीजिए कांग्रेस लड़ गई तो आम आदमी पार्टी वाली देंगे साथ, तो ये लड़ाई कैसी है आप बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों। और यही खेल
जो ये दूसरी पीढ़ी की लड़ाई है, नई पीढ़ी की लड़ाई। अब आपको मैं महाराष्ट्र की कहानी दिखाता हूं। बाबा सिद्दकी, उनके बेटे जिशान सिद्दकी, ये विधायक हैं और जानते हैं क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के कह रहे हैं कि राहुल गांधी की टीम जो है वो भ्रष्ट है। आपको बयान सुनाता हूं, आपको तब कहानी समझ में आएगी कि नई पीढ़ी के मन में अपने ही नेताओं के प्रति किस प्रकार की भावना है। बड़े ध्यान से सुनिए जी, इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कभी कभी कुछ चीजें नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके बाजू में, वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रही है, उन्होंने तो लगता है सामने वाली पार्टी से सुपारी ले ली है कि हम खत्म कर देंगे। जगह आपने दोस्तों, ये जिशान सिद्दकी है। अच्छा, जब मैं ये सब कह रहा हूं तो आप ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस मुस्लिमों की अगुआ पार्टी होने का प्रयास कर रही है। उसे लग रहा है कि पूरे भारत में ये मैसेज चला जाए कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी वही है। और जिशान सिद्दकी बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं आपको देखिए बताता हूं, कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भेदभाव होता है। और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताई दोस्तों, बड़ी विचित्र कहानी, दिलचस्प नहीं बोलिए, विचित्र कहानी। मैंने समझ ही में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कहा गया मतलब, और वो भी जिशान सिद्दकी को। देखिए, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टीम के एक सदस्य ने उनसे कहा कि अगर वो वायनाड के सांसद से मिलना चाहते हैं, मतलब राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, तो अपना वजन कम से कम 10 किलो कम करें। भैया, ये वजन कम करने से क्या लेना देना है? राहुल गांधी क्या गोद में उठा के यात्रा करने वाले थे या सर पे बिठा के यात्रा करेंगे? तो भाई, जिशान सिद्दकी का 10 किलो वजन कम हो जाए और इसलिए राहुल गांधी मिलेंगे, मतलब क्या है ये? क्यों हो रहा है और क्यों कहा जा रहा है ये? मतलब ये अजीबोगरीब हरकत है। ये खुलासा किया है दोस्तों, आप देखिए ना, राहुल गांधी से मिलने के लिए 10 केजी वजन घटाने को बोला बागी हुए बाबा सिद्दकी के विधायक बेटे का आरोप। और इससे पहले आप देखिए, जो कांग्रेस के विधायक है जिशान सिद्दकी, उनके पिता, उन्होंने दावा किया, बड़ा खतरनाक है कांग्रेस के लिए, जो मुस्लिमों का सबसे बड़े हितैषी पार्टी होने का दावा करती है, उसके लिए जिशान सिद्दकी ने दावा किया कि उन्हें पार्टी के भीतर परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम है। अब अगर यही आरोप भाजपा पे लग जाता तब तो भारत को बदनाम कर देते ये लोग कि मोदी जी तो दुश्मन है मुस्लिमों के, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया है, तख्तियां लटकने लगती, मोदी हाय 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 हाय। अब यहां जिशान सिद्दकी बोल रहे हैं कि उन्हें पार्टी के भीतर इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम है। जिशान सिद्दकी ने आरोप लगाया कि पार्टी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। और बांद्रा पूर्व से विधायक सिद्दकी ने यह भी दावा किया कि सभी दलों के मुकाबले कांग्रेस में सबसे खराब सांप्रदायिकता है, उन्हें अपने धर्म के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ये एनसीपी में बाद में आ गए, विधायक हैं अभी तक। उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया दोस्तों, आपको भी सुनकर बड़ी हैरानी होगी और आप जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो हैं कौन, कितने हैं, किस तरह के हैं। आप देखिए, जिशान सिद्दकी ने कहा, माइनॉरिटी के साथ कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। दो लोग जो यूथ कांग्रेस का चुनाव जीते थे, उन्हें 8-9 महीने तक अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया गया। आपको समझ में आएगा कि मुस्लिमों के साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। इन दो लोगों में एक जिशान सिद्दकी था, दूसरा कर्नाटक का मोहम्मद था। हमें मुसलमान होने की वजह से नहीं बनाया गया, मुसलमान होना कांग्रेस में क्या पाप है? आज तक मुंबई कांग्रेस में कोई मुसलमान अध्यक्ष नहीं बना। अभी मुंबई में कांग्रेस के 4 विधायकों में से 3 मुसलमान हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, अध्यक्ष उन्हें ही बनाया जो गैर मुस्लिम है। अब जिशान सिद्दकी भेदभाव का आरोप, उनका बेटा बोल रहा है 10 किलो वजन कम करो तब मिलेंगे। तो ये सारे आरोप देखते हुए हेमंत बिश्व शर्मा जी ने पूरा मजा लिया। उनकी तो आपको पता है ना, मतलब जब हेमंत बिश्व शर्मा की बात हो रही है तो आप सोचिए कितने टैलेंटेड नेता है।
पूरा नॉर्थ ईस्ट बदल कर रख दिया दोस्तों। उनको वो बिस्किट दिया जा रहा था राहुल गांधी द्वारा जो कुत्ते को खिला रहे थे, कुत्ते ने नहीं खाया तो इनको दे दिया, ये छोड़ के चले आए। और तब इन्होंने कांग्रेस छोड़ा और भाजपा में आए। भाजपा में पीएम मोदी और अमित शाह जी ने इनके टैलेंट को पहचाना, पूरा नॉर्थ ईस्ट दे दिया। और उसके बाद इन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के लिए बहुत परिश्रम किया। और प्रधानमंत्री मोदी का तो नेतृत्व निश्चित रूप से सबसे बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद देखिए क्या स्थिति हुई, और उनको इनाम भी मिला, 5 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब सोचिए, दूसरी पार्टी से आया हुआ नेता अपना इनकम्बेंट मुख्यमंत्री को हटाकर इनको बनाया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, इसी को बोलते हैं टैलेंट की कद्र। ये नहीं कि आपके पिताजी क्या थे, आपके अंदर टैलेंट था और प्रधानमंत्री मोदी ने इनको आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री बनाया। और फिर जिशान सिद्दीकी को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला, देखिए उन्होंने भी हमला किया, बोले कि ये कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कांग्रेस सबसे अधिक मुस्लिम विरोधी पार्टी है। वैसे जब मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं ना दोस्तों, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो कहानी अभी आपको मैंने पटेल वाली दिखाई, अहमद पटेल के बेटे और बेटी वाली कहानी, अब यही कहानी दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में दोनों के बीच बड़ी खबरें तैर रही हैं, कभी आती हैं कि 4-3, कभी 3-4, कभी 1-6, कभी 6-1, पता नहीं, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना कि लोगों को घुमा कर रख दिया है। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार ये माहौल बना रही है कि कांग्रेस को 1 सीट दी जाएगी और इससे कांग्रेस के लोग बड़े गुस्से में हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और आप याद कीजिए, जब ये बात कह रहा हूं ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। केजरीवाल की गिरफ्तारी छोटी बात हो सकती है, मैं मानता हूं पल भर के लिए, लेकिन केजरीवाल का कांग्रेस से गठबंधन करना कितना खतरनाक है। ये इसलिए नहीं कि राजनीति के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाजपा को लेना देना, सब कुछ नहीं, भूल जाइए, क्योंकि इस इंसान ने अपने बच्चे की कसम खाई थी। बच्चे की कसम दोस्तों, दुनिया में इससे बड़ा चीज नहीं होता। बच्चे की अगर कोई कसम दे देना तो कुछ भी त्याग देता है, अपनी जान दांव पर लगा देता है। लेकिन ये धूर्त आदमी, ये स्वार्थी आदमी, अपनी सत्ता के लिए, 2-4 सीट जीतने के लिए अपने बच्चे के जीवन को भी दांव पर लगा सकता है, इसका उदाहरण है। और इसीलिए मैं आपको ये बयान सुनाना चाहता हूं, पुराना बयान है लेकिन बार बार याद करना जरूरी है, सुन लीजिए। दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। इस बयान पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं ना, कि कोई बच्चे की कसम देता है ना तो आदमी कुछ भी त्याग देता है, लेकिन ये व्यक्ति सत्ता के लिए बच्चे के जीवन को भी दांव पर लगा सकता। और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी के नेता गीत गा रहे हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथ ही मरते दम तक, चाहे केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दो। आप ये रिपोर्ट भी देख लीजिए ना, हेडर, कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे साथ, चाहे केजरीवाल को भेज दो हवा लात। अरे वाह, ये तो कविता बना दिया इन लोगों ने, कांग्रेस का नहीं छोड़ेंगे हाथ, चाहे केजरीवाल को भेज दो हवालात, आपने कह दिया साफ। वाह, कविता है तो मतलब ये एक दूसरे पर टंगने के लिए बेताब है। अब केजरीवाल जाए, अब बच्चे की कसम खाई, अब देखते चलिए, अब जिस दिन होगा उस दिन तो बड़ा स्पेशल मसाला निकालना पड़ेगा, इनके सारे कसम इकट्ठा करके रखने पड़ेंगे मुझे लगता है आपको सुनाने के लिए। पता तो चले कि जब तक सूरज चांद रहेगा, ये पता तो चले कि ये इंसान कितना स्वार्थी है कि अपने बच्चे की कसम खाकर ये किसी के साथ गठबंधन भी कर सकता है, ये याद रखना जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों, जब ये सारी खबरें आ रही थी ना, तो आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाने के लिए, क्योंकि इनके गठबंधन अभी डील फाइनल नहीं हुई है, आजकल टल रहा है, खबरें तो आ रही है, इसीलिए ये झूठ मूठ का ये हवा फैला रहे हैं
कि कांग्रेस ने आपने कांग्रेस से गठबंधन किया तो 3-4 दिन में गिरफ्तार होंगे केजरीवाल। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि इसमें ट्विस्ट बचा है। ट्विस्ट ये बचा है दोस्तों कि आखिरी वक्त पर यह अड़ंगा लगा है, और यह अड़ंगा सिर्फ दिल्ली में नहीं लगा है। आप देखिए, गुजरात, गोवा, असम, हरियाणा, यहां पर बगावत की खबरें हैं। जो इनके सेकेंड जेनरेशन के नेता हैं, फर्स्ट जेनरेशन के नेता, वो बड़े गुस्से में हैं। वो जीते या हारे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका स्वाभिमान जो है, उनका अहंकार जो है, दोनों आप समझ लीजिए, उनको चोट पहुंच रहा है, और इसीलिए ये बात बार बार अटक रही है। और जब मैं इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ ना, तो एक और शख्स की चर्चा करना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। और ये कौन है? सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद साहब की बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, ये भी बड़े दिग्गज नेता है, बड़े नेता है, मुस्लिम चेहरा है, और उत्तर प्रदेश से आते हैं, और इनकी हस्ती आप सोचिए ना, यूपीए सरकार में एकदम तूती बोलती थी। क्या लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से पढ़िए। फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं, पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं झुकूंगा नहीं, तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। वाह, पता नहीं क्या हो गया, सब गाना लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं लेकिन तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। चलिए अच्छा है, कुछ ना कुछ चुनाव में तो नगमे होते ही रहने चाहिए। वैसे मैंने म्यूजिक चैनल भी एक बनाया है दोस्तों, राष्ट्रवाद से प्रेरित, सनातन धर्म से प्रेरित, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, @HBMelody हैंडल यूट्यूब पर जाइए, आपको पहला गाना मिलेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, बड़े परिश्रम से गाना तैयार किया है, लिखने से लेकर म्यूजिक कंपोज करने तक, एडिटिंग तक, आपको बहुत आनंद आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही नए अंदाज में आपको बहुत सारे गाने आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है उसके लिए। HB Melody आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन खैर आप आइए। अच्छा, जिन लोगों ने देखा है वो अपना कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, कि ये गाना कैसा लगा, गीत आपको, कुछ लोगों को भेजा तो कई लोगों ने उसे चुनावी गीत बताकर ब्लॉक कर दिया उसमें, लेकिन आप हमारे साथ हैं तो हमारा हौसला है, तो आप उस गीत को ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। खैर, सलमान खुर्शीद पर आता हूँ दोस्तों। सलमान खुर्शीद जो 10 साल यूपीए सरकार में मंत्री रहे, 10 साल गुजर गया, अब भी वो दम ठोक रहे हैं, और इस पर कुछ ट्वीट आपको दिखाता हूं जो चीजें लिखी गई हैं। और सलमान खुर्शीद, कांग्रेस, ये टसल दरअसल स्वार्थ का है दोस्तों। ये क्यों होता है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये जहां सारी चीजें स्वार्थ पर टिकी होती है ना, वहीं ये चीजें देखने को मिलती है, और इसीलिए आप ध्यान दीजिए। कांग्रेस में जो भी बड़ा नेता होता है, जो भी, आप मनमोहन सिंह से ले लीजिए, वो लोकप्रिय नेता नहीं होता, उसकी जनता के भीतर कोई पैठ नहीं होती। अब आप देखिए, मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक चुनाव लड़ा, हार गए, लोकसभा का एक सीट नहीं जीत पाए, तो क्यों बने? क्योंकि गांधी परिवार के सबसे लॉयल थे। आप लगा लीजिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2019 में चुनाव हार गए, लेकिन अध्यक्ष बन गए, क्यों? क्योंकि वही सबसे ज्यादा लॉयल है। अब आप ले लीजिए इनके मीडिया के सबसे बड़े नेता कौन है, किसका चेहरा दिखता है? रणदीप सुरजेवाला, दो बार चुनाव हार चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है। तो चूंकि गांधी परिवार की लॉयल्टी ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हो जहां, वहां पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों स्वार्थ पर काम करता है, यह याद रखिए। और इसीलिए चुनाव जीते या हारे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसे ट्वीट आपको देखने को मिलते हैं। और इस पर एक नरेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, मुझे अच्छा लगा, दो ट्वीट आपको दिखाऊंगा।
ये हैं कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की हकीकत। सलमान खुर्शीद पार्टी के थिंक टैंक में है, थिंक टैंक, अभी गठबंधन वाली कमेटी में भी हैं। अच्छा, ये दूसरा जो भाजपा के बुजुर्ग नेता, उस पर तो सवाल उठाते हैं आडवाणी जी और बाकी लोगों पे, ये भी थिंक टैंक है, लेकिन बार्गेन सिर्फ अपनी सीट के लिए करते रहे, उस सीट के लिए जहां इनका तीसरा नंबर आना भी सफलता रहा है। दो बार से जमानत जब्त है और जब सीट नहीं मिली तो आ गए झुकेगा नहीं टाइप डायलॉग से, झुकेगा नहीं। पार्टी को ऐसे नेताओं से अपना पर्सनल दलान बना दिया है। फिर एक आपको नदीम साहब है, इनको देखिए ये भी क्या लिखते हैं। फर्रुखाबाद कांग्रेस को नहीं मिली तो सलमान साहब ने लिख दिया है, टूट सकता हूं झुकूंगा नहीं। फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी ने अपने पास रख लिया है और समाजवादी पार्टी ने कैसे घुटनों के बल कांग्रेस को झुका दिया है, इस पर भी मैं एक वीडियो दिखा चुका हूं, वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप टाइमलाइन में जाइएगा। दोस्तों, नदीम साहब लिखते हैं कि लोग सवाल पूछने लगे, कहीं वो बागी तो नहीं होने वाले। वैसे 19 में सलमान साहब को 5% और 2014 में 9% वोट मिले थे, दोनों में जमानत नहीं बची थी, और 2022 में उनकी पत्नी को सिर्फ 2000 वोट मिला था, और इसीलिए समाजवादी पार्टी भी पूरे मजे ले रही है, बता रही है। और देखिए ना, सारे आंकड़े विकिपीडिया के उठा के लाई है, अपना तो कुछ है नहीं, बस डालो गूगल में, गूगल महाराज बताइए क्या स्थिति है, क्या जवाब दें। अब तो मुझे लगता है ये सारे लोग चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करते होंगे कि मुझे कैसे सलमान खुर्शीद को जवाब देना चाहिए। कभी बोलकर देखिएगा, बड़ा अच्छा जवाब मिलेगा आपको। मैं कैसे कांग्रेस को जवाब दूं, मैं क्या निकालूं, बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये विकिपीडिया उठाकर लाए हैं। वकील साहब, किस इम्तिहान की बात कर रहे हैं आप? आपको मिलने वाला वोट बताता है कि आप जनता से कितना कट चुके हैं। ख्वाब छोड़िए और धरातल पर आइए। और इन्होंने वही 2014 में 9.84% और 2019 में 5.51%। तो ये कहानी दोस्तों बहुत मजेदार है। चुनाव बिल्कुल करीब है, चुनावी गहमा गहमियां भी बड़ी हुई है, किसान भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तथा कथित किसान, ये कहना जरूरी है, क्योंकि आंदोलन में जिस तरीके से, अच्छा आंदोलन में एक कमाल की चीज देखने को मिली, मैं इस पर तो कल एक बड़ी कहानी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, कि किस प्रकार से किसान नेताओं में सिर फुटावल हो गई है और कैसे पूरा आंदोलन किसी ने शुरू किया, दूसरे ने हाईजैक कर लिया, और उस कहानी के पीछे का लोचा क्या है, पेच क्या है, कैसे यही किसान नेता किसान आंदोलन को खत्म कर रहे हैं और किनके इशारे पर कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा। तो आज की कहानी, चूंकि केजरीवाल दोस्तों जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी सोच को कैसे रोकोगे, तो वो एक ऐसी सोच है जो घुस गए हैं और जिसका काम बकौल अरविंद केजरीवाल अराजकता फैलाना है, खुद को अराजकतावादी बता चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी कहानियां आपको अच्छी लगी होंगी। सारी खबरें जो बड़ी बड़ी हैं, जो एक पैटर्न में नजर आती हैं, वो सब आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और लाइव हूं दोस्तों, तो आइए कुछ संवाद करते हैं। परमानंद यादव जी, मैं तो आपका फैन हो गया भैया, जय सियाराम आपको। देखिए, आप लोगों की वजह से ही मैं कर पाता हूं इतनी मेहनत, और मैं तो देखता हूं कि आजकल यूट्यूब की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि सारे वीडियो मेरे रोके हुए हैं, और जिन लोगों के बारे में बताता हूँ इतने तथ्य के साथ, वो लोग भी रोके हुए हैं। तो मेरे वीडियो मैं जिस लाइन को लेता हूँ वही लाइन बाकी यूट्यूबर देखता हूँ, बड़े बड़े दिग्गज, वो दो दिन बाद लेते हैं और उनका चलता है, लेकिन कोई बात नहीं। हेमा सिंह जी, कु वाघेला जी, यदुवंशी शिरोमणि जी, पोकर पोकर जी, घनश्याम जी, बोधराज जी, अर्जुन जी, नरेंद्र कुमार जी, अनिल पांडे जी, व्योम जी, शीशपाल सिंह जी, सबको जय सियाराम। बसु साहब, बहुत अच्छा खबर HB खबरी जी का, जय सियाराम। भाई को माउंट आबू ब्रह्म कुमारी शिव में करूंगी। बासु जी, आप ज़रूर अपने कमेंट बताइएगा, मैं इसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहा।
ओपी शर्मा खुजलीवाल की खुजली, प्रदीप भाई व्यास जय सियाराम, सम अकाउंट सीजेआई सपोर्ट्स खालिस्तानी, धन सिंह सोलंकी जय सियाराम, खुशाल जी, मंगलम जी, नरेश जी, दीपिका जी, पुरुषोत्तम तिवारी जी, कंचन जी, गुप्ता जी, शंभू जी, रामेश्वर जी, भरत नंदिनी जी, सबको जय सियाराम, हेमंत कुमार जैन, विरोधी और विपक्षी कितने भी गठबंधन कर ले पर मोदी सरकार को 400 पार से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। एक एक वोट कीमती है, हर वोट को देने जाना है, इस विश्वास में आशा में नहीं बैठना है। वाजपेयी जी हार गए थे, यही कॉन्फिडेंस था, सारे लोग बड़ा गुब्बारा फुला के रख दिए थे, इंडिया शाइनिंग, क्या हुआ, देश कहाँ चला गया। तो मैं आपसे सुर में सुर मिलाते हुए ये बात कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम जी आएंगे तो मोदी जी, विनोद शर्मा केजरी की गिरफ्तारी तो बैलेट पेपर का चुनाव हो गया, डिक्लेयर ही नहीं हो रहा है। भरत, अच्छा लिखा विनोद जी, भरत नंदानी जी जय सियाराम, रामेश्वर जी ये सब विपक्ष वाले कुछ भी कर ले आएगा तो मोदी। आर बी शर्मा वही लिख रहे हैं, श्याम सुंदर चटर्जी जय सियाराम, रमेश मोदी जी, राम कुमार जी, मणिराम यादव जी, वल्लभ बिरला जी, कमल प्रसाद जी, आप सभी प्रिय जनता को बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, वल्लभ बिरला जी, संतोष जी, दिलीप जी, सबको जय सियाराम। शिवा दी लेजेंड, वो 10% टैक्स की बात कर रहे हैं। आज मैंने दिखाया था दोस्तों कर्नाटक में कैसे मंदिरों पर 10% टैक्स लगाया गया, वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, सुबह की खबर है। फिर वल्लभ बिरला लिखते हैं, सारे दानव एक जगह, ट्विन गेमर कृष्णा हल्दर, कांग्रेस पार्टी अपने आप आपस में लड़ेंगे और जनता मोदी जी को जिता देंगी। पेघाड़े जी केजरीवाल उर्फ नटवर लाल कह रहे हैं, शिवा दी लिजेंड जिस वही 10% टैक्स की बात कर रहे हैं। बलराम पटेल जय सियाराम, दुर्गा जी जय सियाराम, प्रदीप त्रिवेदी जी जय सियाराम, विजय झा, आई हैव सीन हिम बिफोर बिगनिंग, नेवर ट्रस्टेड, दैट इज वॉय वी नेवर सपोर्टेड हिम, बिल्कुल। धन सिंह रोतेला जी, दीन ईमान धर्म सब खत्म। वेंकट जी, मोहन मित्तल जी, मोहन मित्तल लिखते हैं, आतिशी को पता है महाठग केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। फिर भारती अय्यर जी, कट्टर ईमानदार इज केपेबल ऑफ एनीथिंग। कृष्णा हल्दर जी जय सियाराम, दिनेश जी, नारायण जी, कृष्णा जी, मंजू जी, एचओ जी, सुशील जी, थोड़ा नीचे आता हूँ दोस्तों, सोनिया ठाकुर जी लिखती हैं, बंगाल के चिड़ियाघर में एक शेरनी का नाम सीता और उसके साथ शेर रखा गया, बिल्कुल ये खबर मैंने देखी सोनिया जी, ये वाकई, और उसमें विश्व हिंदू परिषद ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका डाली हुई है। अब देखिए बताइए, धर्म के साथ इतना घिनौना मजाक, मतलब आप सोचिए इसके इसकी वजह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ हिंदुओं को ये एहसास कराना कि तुम्हारी औकात क्या है, वरना ऐसा कभी नहीं होता, आप सोचिए। तो ये बड़ा खतरनाक सोनिया ठाकुर जी ने बताया है, मैं उस पर करूँगा किसी दिन। इसके अलावा बी एम गांधी जी, दिनेश चंद्र शर्मा जी, एच बी न्यूज़ के लिए धन्यवाद, डॉक्टर ज्ञानेश गुप्ता जय सियाराम, वी आर सिंह जी मज़ा आ रहा है एच बी जी धन्यवाद, हरीश जांगड़ा जी, हर हर गंगे हर 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 मोदी अब की बार 400 पार, राजेंद्र पटेल बाई जी पीएम इन। फिर आगे शिवा दी लीजेंड लिखते हैं, सोनिया जी आज बंगाल की सत्ता इस्लामिक जानवरों के पास है, करुणा रभा जय सियाराम, मित्तल जी, ललित जी, उज्जवल जी, अमरेश सिन्हा, बनवाल जी हम तो पप्पू को पीएम बनाएंगे भारत का नहीं। धन्यवाद दोस्तों, बड़ा अच्छा है ये संवाद भी, बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हंसी मजाक में भी बहुत गंभीर बातें सामने आ जाती हैं, और चूंकि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि हम आपके साथ यूं ही मेहनत करेंगे, दिखाएंगे अपना प्रेम और स्नेह, बनाए रखिए दोस्तों। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ये वीडियो, पहुँचाइए दोस्तों, क्योंकि
न्यूज चैनल तो सिर्फ न्यूज में ही फंसे रहते हैं, उनकी अपनी एक लाइन होती है, लेकिन उन लाइन के पीछे की लाइन क्या है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सभी लोगों को जोड़िए और म्यूजिक चैनल से भी जुड़िए, मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।